हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक। आप देख रही हैं एमडी प्लस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्रेडिट व्यू के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ कमेंट आया था, कुछ लोगों ने मुझसे बोला है कि भाई एक बार 2020 का प्रोसेस बता दीजिए, क्रेडिट व्यू में 2020 में लोन कैसे लेना है, क्योंकि क्रेडिट व्यू में 2020 में थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है। ठीक है, तो आज मैं इसी के ऊपर पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, कैसे आप 2020 में क्रेडिट बी से लोन ले सकते हैं, पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं क्रेडिट बी से लोन, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए हम क्रेडिट बी एप्लीकेशन ओपन करते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे ही अपना क्रेडिट बी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारा अकाउंट इसमें बना हुआ है, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी पहले से लोन ले चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2020 का प्रोसेस बताने वाला हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि एक बार 2020 का प्रोसेस बताइए, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजिंग हो गई है, तो इसी वजह से मैं 2020 में अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि दोबारा तो हम अकाउंट बना नहीं सकते। तो पहले आप अपना अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम यहां पे गेट लोन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने यहां पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। चलिए हम यहां पे जो भी डिटेल दी गई है, मैं आपको सारा डिटेल यहां पे बता देता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस है 130 रुपये, यहाँ पे एग्रीमेंट फीस है 20 रुपये, GST वगैरह यहाँ पे जो है 27 रुपये है, टोटल इंटरेस्ट इसका रेट है 67 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसकी 1816 रुपये, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट यहाँ पे बताई गई है, और टोटल रीपेमेंट अमाउंट है 2267 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे बैंक में कितना मिलेगा, 2023 रुपये, मान के चलिए 225 या 230 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। और दोस्तों, टेनोर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 मंथ का टेनोर दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2 मंथ का टेनोर यहाँ पे दिया जा रहा है। किसी भी एप्लीकेशन में आपको इतना ज़्यादा टेनोर नहीं मिलता है जितना कि क्रेडिट बी में मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आपने देख लिया। अब मैं यहाँ पे गेट इट नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो हम जैसे गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट बताई गई है, यानी कि 2 EMI। पहली EMI बताई गई है 1760 रुपये, प्लस इंटरेस्ट है इसका 56 रुपये, और टोटल यहाँ पे 1816 रुपये। ठीक है, पहली EMI हो गई। दूसरी EMI है 440 रुपये, जिसमें 11 रुपये इसका इंटरेस्ट है, यानी कि टोटल 451 रुपये हमें दूसरी EMI पे करनी है। ठीक है, यानी कि 2 बार में हमें इसकी रीपेमेंट करनी है। तो ये हो गई इसकी बात। अब हम नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद दोस्तों, सिंपल हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट लोन पर्पस, कि आप लोन किस वजह से ले रही हैं। तो यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो जिस भी कैटेगरी को आप चूज़ करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे शॉपिंग कर देता हूँ। ठीक है, शॉपिंग करने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 2 बैंक अकाउंट दिख रहा है। तो अगर आपका एक ही बैंक अकाउंट होगा, एक दिखेगा, अगर आपने 2 बैंक अकाउंट ऐड किया होगा, 2 दिखेगा। अगर आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ऐड सेविंग बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट है। अगर हमें नीचे वाले पे लेना है, तो इस पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे ऊपर वाले पे लेना है, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं ऊपर वाले पे ही ले रहा हूँ अपना बैलेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे नीचे हमें इस बॉक्स पे टिक लगाना है, और उसके बाद कंटिन्यू टू साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साइन लोन एग्रीमेंट, OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड फेस वेरिफिकेशन, और साइन विथ OTP आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, डिजिटल साइन विथ फेस ID, ई साइन इन विथ आधार। तो ये जो पहला वाला है, डिजिटल साइन विथ फेस ID, अगर आप इसको चूज करते हैं, तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है, फिर भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरा वाला चूज करते हैं, ई साइन विथ आधार कार्ड, तो दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तभी आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ऊपर वाला ही चूज कीजिएगा, क्योंकि अक्सर दोस्तों हमने देखा है कि किसी के भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता है। ठीक है, 100% में 10% लोगों को ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, 90% लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आप पहला वाला ही ऑप्शन चूज कीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं साइन एग्रीमेंट। दोस्तों, ये एग्रीमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल लिखी गई है, नेम,
पिता का नेम, माता का नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, यहाँ पे अकाउंट नंबर, किस अकाउंट में आपका बैलेंस जाएगा, सारा डिटेल यहाँ पे, पैन नंबर वगैरह दिया गया है, आपका एड्रेस भी दिया गया है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, रिक्वेस्ट ओटीपी टू साइन, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इन तीनों बॉक्स पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे हमें साइन नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ओटीपी यहाँ पे आ चुका है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फेस आईडी वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अपने फेस का एक लाइव फोटो यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वही बताया गया है कि जहाँ पे आप फोटो ले रहे हैं लाइट वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो उसको निकाल दीजिए, अगर आपने टोपी वगैरह लगा रखी है तो उसको भी निकाल दीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल साइन सक्सेस। यहाँ पे हमारे आधार कार्ड का, पैन कार्ड का फोटो दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लोन अप्लीकेशन सबमिटेड, लोन अमाउंट 2,200 रुपए, सिलेक्टेड बैंक अकाउंट, यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट बताया गया है, कौन सा बैंक है, कौन सा ब्रांच है, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे लिखा है लोन एग्रीमेंट साइन, ठीक है। योर लोन विल बी प्रोसीड 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में हमारा जो बैलेंस है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास मैसेज भी आ गया है हमारे बैंक की तरफ से कि हमारा पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपका पैसा आ जाता है, लेकिन ये लोग 1 घंटा बोलते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया 2020 में आपको लोन को अप्लाई कैसे करना है, सारी डिटेल हमने आपको बता दिया है। तो बस यही थी डिटेल आज के इस वीडियो में। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई ऐसी यूजफुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।